आज परमेश्वर के पवित्र वचन में से हम लोग जो देखने वाले हैं, जब राजा फेल हो गए, जब सेनापति फेल हो गए, जब बड़े बड़े हथियार फेल हो गए, जब बुद्धिमान सलाहकार फेल हो गए, जब बड़े बड़े पदाधिकारी फेल हो गए, और कोड़ी पास हो गए, कोड़ी पास हो गए, कोड़ी पास हो गए, हालेलुया, हालेलुया, कोड़ी पास हो गए, हालेलुया। सो हम परमेश्वर के पवित्र वचन को देखने हैं, दूसरा राजा सात अध्याय, दूसरा राजा सात अध्याय, तीन वचन से हम लोग पढ़ेंगे। इसका पांच वचन पढ़ दीजिए पहले, दूसरा राजा सात अध्याय पांच वचन। तो वे सांझ को आराम की छावनी में जाने को चले और आराम की छावनी की शोर पर पहुंचकर क्या देखा? हालेलुया। वो सांझ को कौन? कोड़ी। आराम की छावनी में जाने के लिए चले। हालेलुया, हालेलुया। सो मैं आपको पूरी घटना बताता हूं पहले, फिर आपको पता चलेगा हुआ क्या। राम का राजा बेन-हदद जब इज़राइलियों को जीतने के लिए उनके चारों ओर उसने क्या कर दिया? छावनी डाल दी। सारी जो सप्लाई थी वो बंद कर दी, सब रास्ते बंद कर दिए। तो वो जो इज़राइली थे वो सारे के सारे अंदर बंद हो गए, शहर पनाह के अंदर बंद हो गए। और आराम का राजा जो था लाखों की सेना लेकर उनको घेर कर बैठा हुआ। अब अंदर खाना नहीं जा रहा, अंदर राशन पानी नहीं जा रहा, कुछ भी नहीं अंदर पहुंच रहा, क्योंकि खेतों से सब्जी अंदर जाएगी, खेतों से अनाज अंदर जाएगा। और जब ये घेरा डालते थे तो सालों साल तक डालते थे, एक दो चार दिन के लिए नहीं। ये युद्ध की नीति होती थी ताकि अंदर वाले भूख से मरे और अपने आप बाहर आके कह दे हाँ हम सरेंडर करते हैं, हम हार गए। तो इसमें उनको युद्ध नहीं करने पड़ते थे और उनकी सेना की भी हानि नहीं होती थी। तो बाहर दुश्मन है और अंदर ये बंद हैं उस शहर पनाह के अंदर अंदर, और इनके लिए खाने के लिए खत्म हो रहा, सब कुछ खत्म होता गया, अनाज खत्म होता गया, पानी खत्म होता गया, सब्जियां खत्म होती गई, जो कुछ था सब खत्म हो रहा है। खत्म होते 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 ऐसी स्थिति आ गई कि लोगों ने अपने पशुओं को मारकर खाना शुरू कर दिया, पशुओं को मारकर खाना शुरू कर दिया, पशुओं को मारकर लोग खा रहे हैं। और फिर लिखा हुआ है एक गधे का सिर, शेद हमें लिखा है गधे का जो सिर था वो भी चांदी के 80 सिक्कों में मिलने लग गया, इतना महंगा हो गया, चांदी के 80 सिक्कों में बिकने लग गया, चांदी के 20
सिक्कों में तो गुलाम बेच दिए जाते थे, बंदे बिक जाते थे, बंदों को बेच देते थे। 30 सिक्कों में तो गुलाम बेचे ही जाते थे और गधे का सिर्फ सिर 80 सिक्कों में, इतनी महंगाई हो गई लिखा हुआ है। और जब पशु भी खा गए, राजा के जो घोड़े थे वो थोड़े से बच गए, राजा के जो घोड़े थे वो थोड़े से बच गए, बाकी सब मारकर खा गए। सब कुछ खत्म होता 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 बुरा हाल हो गया उनका। बाहर सेना है, राजा फेल हो गया, जो सेनापति थे बड़े योद्धा थे सब फेल हो गए, उनके तीर उनके हथियार सब फेल हो गए, बड़े बड़े बुद्धिमान जो सलाहकार थे ऐसा करो ये करो वो करो वो सब फेल हो गए, बड़े बड़े पदाधिकारी जो थे कर्मचारी जो थे सब फेल हो गए। इतना भयंकर अकाल वहां हुआ, आप इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि लोगों ने अपने बच्चों को मारकर खाना शुरू कर दिया, पकाकर खाना शुरू कर दिया। एक ही घर में दो औरतें रहती थी, तो एक औरत ने कहा ऐसा करते हैं तेरा ये छोटा सा जो बच्चा है इसको आज मारकर पका लेते हैं खा लेते हैं और फिर कल मेरे बच्चे को मार लेंगे। इतना भयंकर समस्या, तो उसने कहा ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उसको मारा पकाया और खा लिया। अब दूसरे दिन जब बारी आई दूसरे की, वो कहती मैं तो नहीं बच्चा देती, मैं नहीं बच्चा देती, मैं अपने बच्चे को नहीं देती। तब वो राजा के पास पहुंच गई और वो भी साथ में पहुंच गई, राजा से जाकर कहती है हमारा न्याय करो। इसने ये कहा था कि कल तेरा बच्चा मार के खाएंगे, आज मेरा बच्चा मार के खाएंगे, एक दिन इसका खा ले और अब ये बच्चा अपना देती नहीं, राजा इसको कह के बच्चा दे ताकि मैं मारकर इसको खाऊं। तब राजा तो शहरपनाह के ऊपर टहल रहा था, उसने जब ये बात सुनी अपने बस्तर फाड़ डाले और उसके अंदर उसने तप्पड़ पहन रखा था। आपको पता है पुराने नियम में तप्पड़ पहनते थे। जब राजा को पता चला इतना बड़ा संकट, इतनी बड़ी समस्या कि लोग अपने बच्चों को खाने लग गए, इतनी बड़ी समस्या, इतना बड़ा अकाल अंदर, क्योंकि दुश्मनों में बाग घिरा हुआ है, वो चाह कर भी राजा कुछ नहीं कर सका, वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सका, इसलिए राजा फेल हो गया। जो बड़े बड़े तीर अंदाज थे, बड़े बड़े हथियार चलाने वाले थे, वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सके, सब फेल हो गए। लाखों लाखों की सेना थी, सब सेना फेल हो गई। जो बुद्धिमान थे सलाह देते थे ऐसा करना ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे और राजे के टेबल पर खाते थे, वो सब फेल हो गए। इतनी दुर्दशा कि लोग अपने बच्चे को खा रहे हैं, सब पदाधिकारी सब खजांची सब फेल हो गए। जब फेल हो गए तब एक घटना होती है, परमेश्वर के दास के अनुसार, जैसे परमेश्वर के दास ने कहा होता है वहां लिखा हुआ है। मैं आपका ध्यान उस और नहीं दिलाना चाह रहा, मैं आपका ध्यान कहीं और लेकर जाना चाह रहा हूं वचन में। तब शहर के बाहर चार कोड़ी थे, शहरपनाह के बाहर नगर के बाहर चार कोड़ी थे, वो अंदर नहीं थे, वो अंदर नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो कोड़ी थे, वो अंदर उनको कोई अंदर बढ़ने नहीं देता था नगर में,
नगर में अंदर बढ़ने नहीं देते थे, सब उन्हें तुच्छ जानते थे। वो त्यागे हुए थे, जो कोड़ी थे वो लाचार थे बेचारे, उनके हाथों से रेशा निकलता रहता पूरी बॉडी से, सिर पे सब, वो तुच्छ गिने गए थे। वो नगर से निकाले हुए थे, वो घर से निकाले हुए थे, सभी ने अपना संबंध उनसे तोड़ रखा था, कोई उन्हें हाथ से छूना भी नहीं चाहता था, कोई उनका आदर नहीं करता था, कोई उनका सम्मान नहीं करता था, सब तुच्छ जानते थे और उनकी गिनती कोई भी नहीं करता था, उनका ध्यान कोई भी नहीं रखता था, वो तो तुच्छ थे, गिने जाते थे लोगों की निगाह में। वो चार बार थे क्योंकि घर से निकाले हुए थे, नगर से निकाले हुए थे, समाज से निकाले हुए थे, और सब लोग ये कहते थे कि ये तो किसी काम के, ये किसी काम के नहीं है, किसी काम के भी नहीं है, किसी काम के नहीं है, ऐसे हमारे लिए तो बोझ है, कहीं ऐसा ना हो कि ये नगर के अंदर आ जाए और दूसरों को कोड़ हो जाए, दूसरे लोग कोड़ी हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि ये किसी को छू जाए। यहां से वो पाम रखते थे, वहां वो पाम भी नहीं रखना चाहते थे, जहां उनका हाथ लगता था वहां हाथ भी नहीं रखना चाहते थे, तुच्छ, जिन्हें वो जानते थे नकम्मे, जिन्हें वो जानते थे वो नगर के बाहर थे। तीन वचन पढ़ना इसका, दूसरा राजा सात अध्याय तीन वचन। चार कोड़ी फाटक के बाहर थे, चार कोड़ी फाटक के बाहर थे, नगर के बाहर थे, वे आपस में कहने लगे। तो इतने दिन वो क्या करते रहे, बाहर थोड़ा बहुत कहीं पानी मिलता होगा, बाहर थोड़ा बहुत तरबूज खरबूजा और जो भी कुछ था, कसर बसर जो भी खाना खा आसपास था वो थोड़ा बहुत उन्हें मिलता रहा, कुछ खा रहे थे, लेकिन क्योंकि सेना चारों ओर थी और फिर उनके पास भी सब कुछ खत्म हो गया, तब वो सोचने लगे। फिर से पढ़ो। चार कोड़ी फाटक के बाहर थे, वे आपस में कहने लगे, वो आपस में कहने लगे, हम क्यों यहाँ बैठे बैठे मर जाएं, क्यों यहाँ बैठे बैठे भूख से मर जाएं, यदि हम कहें नगर में जाएं तो वहां मर जाएंगे, क्योंकि वहां अकाल पड़ा है। अगर नगर में जाएंगे तो वहां मर जाएंगे, वहां तो वैसे अकाल पड़ा हुआ है, और यदि हम यहाँ बैठे रहें तो भी मर ही जाएंगे, अगर यहाँ बैठे रहेंगे तो भी मर ही जाएंगे, इसलिए आओ हम आराम की सेना में पकड़े जाएं। आओ हम क्या करें, दुश्मन की जो सेना है आराम की सेना में पकड़े जाएं, वहां चलते हैं, वहां अपने को देखेंगे और वो क्या करेंगे, हमें पकड़ लेंगे। यदि वे हमको जिलाए रखे तो हम जीवित रहेंगे, अगर उन्होंने कहा भी हम जीवित रखना चाहेंगे तो हमें जीवित रखेंगे, कम से कम रोटी तो मिलेगी और हमें जीवित रखेंगे, और यदि वे हमको मार डाले तो भी हमको मरना ही है। अगर दुश्मन की सेना अगर मार डालेगी तो वैसे भी यहाँ भूखे मर रहे हैं, अंदर जाएंगे तो भी मरेंगे, यहाँ भी मर जाएंगे, वहां भी दुश्मन की सेना में जाते हैं वहां उनको अपने आप को दिखाते हैं, अगर तो उन्होंने पकड़कर बंदी बना लिया तो रोटी तो देंगे, अगर जान से मार दिया तो मरना तो यहां भी हम लोगों को है। हालेलुया 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 हालेलुया। तब शुरू होती है घटना। हाँ, तब वे सांझ को आराम की छावनी में जाने को चले। तब वे कब, सांझ को कब, कब सांझ को, सांझ को वो चले, सांझ को वह चले, और सात वचन पढ़ना। इसलिए वे सांझ को उठकर ऐसे भाग गए। हाँ, तो क्या हुआ, ये सांझ को उठकर चले, ठीक है, ये चार कोड़ी सांझ को उठकर चले, उनकी तरफ जाने लगे, और ये पैदल जाना था,
और थोड़ा सा इनको टाइम लगा, कितना टाइम लगा प्रभु जानते हैं, लेकिन इन्हें टाइम लगा। ये सांझ को उठकर चले, चलो चलते हैं। और दुश्मन जो था सांझ को उठकर भाग गया, लिखा हुआ है सांझ को उठकर भाग गया। साथ पढ़ना, इसलिए वे सांझ को उठकर ऐसे भाग गए कि अपने डेरे, सांझ को उठकर भाग गए। उन्होंने इन चार कोड़ियों को देखा नहीं, ये चार कोड़ी वहां तक पहुंचे नहीं उस समय तक। ये मान लो यहां पर थे, ये सांझ को उठकर कहते चलो चलते हैं, यहां से ये चले और वहां एक किलोमीटर दो किलोमीटर प्रभु जाने जितनी दूर थे वो सांझ को उठकर, दुश्मन जो थे सांझ को उठकर भाग गए, सांझ को उठकर भाग गए। इन्होंने यहां से कोई तीर नहीं छोड़ा, इन्होंने यहां से कोई बम नहीं फेंका, इन्होंने कुछ भी नहीं वहां उनके लिए बोला, लेकिन ये यहां से चले और वो वहां से सांझ को उसी समय। इसलिए मैं आपका ध्यान दिलाना चाह रहा हूं, ये कब चले सांझ को और पहुंचे कब, टाइम लगा होगा पहुंचने में, लेकिन वो भागे कब, सांझ को भागे, दुश्मन सांझ को भागा। हाँ, वो सांझ को चले। पांच वचन, तब वे सांझ को आराम की छावनी में जाने को चले। हाँ, तो शाम को सांझ को क्या कर रहे हैं, उस छावनी में जाने के लिए चलते हैं वो चार लोग। और आराम के छावनी के शोर पर पहुंचकर क्या देखा, हाँ वहां पहुंचकर क्या देखा कि वहां कोई नहीं है, वहां हालेलुया, उस छावनी में, दुश्मन की छावनी में जहां पर लाखों लोग थे, लाखों लोग थे वहां पर, लेकिन अब कोई नहीं है। अगर कुछ है तो वहां पर क्या है, घोड़े बंधे हुए हैं, गधे हैं और हथियार पड़े हुए हैं, उनका राशन पड़ा हुआ है। मान लो अगर 4 लाख लोग वो थे, तो अगर उनकी एक रोटी भी एक व्यक्ति के लिए हो तो 4 लाख तो रोटियां ही होगी, तो वो रोटी तो दो दो तीन तीन महीने की एक साथ रखते थे, खराब नहीं होती थी। तो आप ये सोचो भी 4 लाख रोटियां तो वहीं पड़ी हुई हैं, जो साथ में वो लेकर आए होंगे गेहूं, ठीक है, वो वहां पड़ा हुआ था। सालों साल तक ये घेरा डालते हैं तो गेहूं कितना भारी, गेहूं बड़े पशु थे वहां पर जिनके ऊपर गेहूं और राशन लाद कर लेकर आए थे। वहां दाह मधु होगा, वहां बड़े बड़े सुंदर कपड़े थे, वहां सोना पड़ा हुआ था, वहां चांदी के गहने थे, सोने के गहने थे, सब कुछ पड़ा था, सब कुछ वही था, लेकिन दुश्मन वहां नहीं था। फिर से पढ़ो इसे, पांच वचन, दूसरा राजा 7:5। तब वे सांझ को आराम की छावनी में जाने को चले। हाँ, सांझ को आराम की छावनी में जाने को चले। और आराम की छावनी के शोर पर पहुंचकर क्या देखा, एक किनारे पर जाकर उन्होंने, अभी पहुंच रहे हैं इस किनारे पर पहुंचे, और क्या देखा कि वहां कोई नहीं है, वहां कोई नहीं है, क्योंकि कुछ हो चुका था। जब सांझ को ये चले थे तो वहां कुछ हलचल हो गई थी। जब राजा फेल हो गया, जब सेनापति फेल हो गया, जब हथियार फेल हो गए, बड़े बड़े बुद्धिमान सलाहकार फेल हो गए, तब कुछ परमेश्वर ने उनके द्वारा कुछ कर दिखाया जिनको लोग तुच्छ जानते थे, जिनको लोग तुच्छ जानते थे, और उनके हाथ से चमत्कार नहीं करवाया। जो तुच्छ जाने जाते थे चार लोग, उनके हाथों से चमत्कार नहीं करवाया, भी उसने सज्जे हाथ से चमत्कार कर दिया, उसने खब्बे हाथ से चमत्कार कर दिया, किससे करवाया चमत्कार, उनके पैरों से करवाया।
उनके पांव से चमत्कार करवा दिया। हालेलुया, उनके पांव से चमत्कार करवाया। ये जो लाचार थे, ये जो त्यागे हुए थे, ये जो घर से निकाले हुए थे, ये जो समाज से निकाले हुए थे, ये जो नगर से निकाले हुए थे, जिनसे सभी ने संबंध तोड़ा हुआ था, कोई हाथ से छूना नहीं चाहता था, कोई उसे आदर सम्मान नहीं देता था, जो उन्हें सब लोग उन्हें तुच्छ जानते थे, जिनकी गिनती भी नहीं होती थी, उनके पैरों से चमत्कार हो रहा है, उनके पैरों से चमत्कार हो रहा है, उनके पांव से चमत्कार हो रहा है। हालेलुया, सांझ को ये चले, जैसे चले पांव रखा तो चार लोग हैं एकदम से ऐसे पैर रखे, चार पांव ऐसे आए, फिर ये पांव रखा तो चार पैर ऐसे आए, फिर ये रखा तो चार पांव ऐसे आए, फिर ये रखा तो चार पांव ऐसे लगे जमीन पर, सिर्फ चार पांव। और वहां क्या हो गया, पढ़ना फिर से पढ़ दो इसको, तब वे सांझ को, पांच को, हाँ, तब वे सांझ को आराम की छावनी में जाने को चले, और आराम की छावनी की शोर पर पहुंचकर क्या देखा कि वहां कोई नहीं है, क्योंकि प्रभु ने आराम की सेना को रथों और घोड़ों की और भारी सेना की सी आहट सुनाई थी। आराम की सेना को, दुश्मन की सेना को क्या सुनाया, रथों घोड़ों और भारी सेना की आहट, भारी सेना, लाखों की सेना की आवाज आ रही है, लाखों की सेना के चलने की आवाज आ रही है। और चले कितने थे, चार पांव चले थे, उन्हें सुनाई दिया। और वो कहते, अरे इन्होंने तो हित्तियों को, मिस्रियों को पैसे देकर क्या कर लिया है, हमारे साथ युद्ध करने के लिए बुला लिया भाई। करना, और वे आपस में कहने लगे थे, वो आपस में कहने लगे थे दुश्मन, हाँ, सुनो, इज़राइल के राजा ने हित्ती और मिश्री राजाओं को वेतन पर बुलवाया है। इज़राइल के राजा ने तो हित्ती और मिश्री राजाओं को वेतन पे बुलाया है कि हम पर चढ़ाई करें, ताकि उन पर चढ़ाई करें। इसलिए वे सांझ को उठकर, ये सांझ को उठकर चले जो तुच्छ गिने जाते थे, जिनकी गिनती नहीं होती थी, जिनके घर के लोग भी गिनती नहीं करते थे, जिन्हें सांझ को उठकर चले। जब तक बैठे थे वहां पर, तो पहले भी थे ही ये, जब तक वहां बैठे थे, चमत्कार नहीं हुआ। जब तक वहां बैठे थे वहां चमत्कार नहीं हुआ। जब इन्होंने निर्णय लिया, कदम बढ़ा दिया, यह बजे चले, सांझ को ये चले, सांझ को वहां चमत्कार हो गया। हालेलुया, हाँ, उन्हें सोचा इन्होंने तो बड़ी सेना को मंगा लिया है। इसलिए वे सांझ को उठकर ऐसे भाग गए कि अपने डेरे, घोड़ों, गधे और शावनी जैसी की तैसी छोड़ छाड़ अपना अपना प्राण लेकर भाग गए। अपना अपना प्राण लेकर भाग के, जान बचाओ, घोड़ा खोलने की भी हिम्मत नहीं थी कि घोड़े को क्या कर ले, है ना, इसको थोड़ा घोड़े को खोल लेते हैं, इसके ऊपर बैठकर भागते हैं, गधे को खोल लेते हैं, गधे के ऊपर बैठकर भागते हैं, गधे को बंधा ही रहने दिया, घोड़े को बंधा ही रहने दिया, इतनी भी नहीं थी कि चलो ऐसा है जो ये सोना है इसको पहन ही लें, चलो हाथ में पकड़ लें लेकर भाग जाएं, सब सोना, सब चांदी, घोड़े बदे बंधाए, सब कुछ, जैसे खाना खाने के लिए बैठे थे ऐसे वहां सब कुछ वैसे का वैसा पड़ा रह गया, भाग गए। आप जरा सोचो, ये तो गधे या घोड़े के तो रस्सी भी नहीं खोल सके, उनको खोल ही नहीं सके, संकल ही नहीं खोल सके। आप पैदल जल्दी भागते हैं कि घोड़े पे भागेंगे, घोड़े पे भागेंगे, लेकिन इतना भयभीत हो गए, इतना डर गए कि वो खोल भी नहीं सके।
खोल भी नहीं सके और भाग। हाँ, जब वे कोड़ी शावनी की शोर के डेरों के पास पहुंचे तब एक डेरे में घुसकर खाया पिया और उसमें से चांदी सोना और वस्त्र ले जाकर छिपा रखा। पहले तो खाया पिया, फिर सोना, फिर चांदी एक डेरे में, और वस्त्र लिए और जाकर छिपा कर रख दिए, ये काम आएंगे अपने। हाँ, फिर लौटकर दूसरे डेरे में घुस गए और उसमें से भी ले जाकर छिपा रखा। और फिर दूसरे डेरे में चले गए, उसमें से भी खाया पिया और कुछ सामान रखा, छिपा डाला। तब वे आपस में कहने लगे, जो हम कर रहे हैं वे अच्छा काम नहीं है। जो कर रहे हैं ये अच्छी बात नहीं है। ये आनंद के समाचार का दिन है। ये आनंद के समाचार का दिन है। ये आनंद के समाचार का दिन है। परंतु हम किसी को नहीं बताते। जो हम पौ फटने तक ठहरे रहे तो हमको दंड मिलेगा। इसलिए अब आओ, हम राजा के घराने के पास जाकर ये बात बतला दें। हाँ। तब वे चले और नगर के चौकीदारों को बुलाकर बताया। और जाकर राम की शावनी में गए। नगर के जो चौकीदार थे उसको बताया कि हम जो आराम की शावनी में गए। हाँ, सारी आगे चलो, सारी घटना बताई भी ये वहां तो वो ऐसी बात है। हाँ, आगे चल पढ़ दे। हम जो आराम की शावनी में गए तो क्या देखा कि वहां कोई नहीं है और मनुष्य की कुछ आहट नहीं है, केवल बंधे हुए घोड़े और गधे हैं और डेरे जैसे के तैसे हैं। तब चौकीदारों ने पुकार के राजभवन के भीतर समाचार दिया। तब राजा रात ही को उठा। कब उठा? रात ही को। कब उठा? इसका मतलब पहले क्या थी? सांझ थी और उस समय तक रात हो चुकी थी। रात हो चुकी थी। हाँ, और अपने कर्मचारियों से कहा, मैं तुम्हें बताता हूँ कि आरामियों ने हमसे क्या किया है। वे जानते हैं कि हम लोग भूखे हैं, इस कारण वे शावनी में से मैदान में छिपने की ये कहकर गए हैं कि जब वे नगर से निकलेंगे तब हम उनको जीवित ही पकड़कर नगर में घुसने पाएंगे। हाँ, तो कहता राजा, कहता अपने कर्मचारियों से, देखो वो तो जानबूझकर उसको खाली छोड़कर साइड पर चले गए हैं, क्योंकि वो जानते कि हम लोग, राजा क्या कह रहा है, हम लोग भूखे हैं। क्या कहता है राजा? कह रहा है वो जानते हैं कि हम लोग भूखे हैं और जैसे बाहर निकलेंगे तो वो हमें जीवित ही पकड़ लेंगे। लेकिन किसी कर्मचारी ने उसे कहा। हाँ, परंतु राजा के किसी कर्मचारी ने उत्तर देकर कहा, जो घोड़े नगर में बच रहे हैं, जो घोड़े नगर में मतलब बच गए हैं, जो घोड़े बच गए हैं, इसका मतलब दूसरे जो घोड़े थे वो मारकर खा चुके थे। जो घोड़े बच गए हैं उनमें से लोग 5 घोड़े ले और उनको भेजकर हम हाल जान लें। तब तो इजराइल की सब भीड़ के समान है जो नगर में रह गई है। वे तो इजराइल की सब भीड़ के समान है जो नगर में रह गई हैं। खैर, तो उन्होंने क्या किया, वो 5 घोड़े भेजे, जाकर देखा और सब वहां कोई भी नहीं। फिर रातों रात इन्होंने क्या किया, जो कुछ था उनका राशन पानी सब कुछ उठाकर ले आए। जितना भी राशन था, जितना भी सोना था, जितना भी चांदी थी, जितने भी घोड़े थे, जितने भी गधे थे, जितने भी हथियार थे, सब कुछ ले आए। हालेलुया। जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं परमेश्वर के वचन में से, जब राजा फेल हो गया, जब सेना फेल हो गई, जब तीर और हथियार फेल हो गए, जब बुद्धिमान सलाहकार सब फेल हो गए, जब बड़े बड़े पदाधिकारी फेल हो गए, वो तंदर थे। और जो तुच्छ गिने जाते हैं वो पास हो गए। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर के लोगों में आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि चाहे आपको
समाज के लोग तुच्छ जानते हों, चाहे आपको घर के लोग तुच्छ जानते हों, चाहे आपको नगर के मोहल्ले के लोग तुच्छ जानते हों, लेकिन याद रखिए परमेश्वर आपके हाथों से चमत्कार करना चाहते हैं। परमेश्वर आपके हाथों से चमत्कार कराना चाहते हैं। मैं कहता हूं परमेश्वर आपके पांव से चमत्कार करवाना चाहते हैं। हालेलुया। आपके हाथ में सामर्थ है, आपके हाथ में सामर्थ है, आपके हाथ में, आपके हाथ में, आपके हाथ में सामर्थ है। हमेशा हम यही कहते हैं, लेकिन आपके पांव में भी सामर्थ है, आपके पांव में भी सामर्थ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ने राजा को इस्तेमाल नहीं किया, परमेश्वर ने सेनापति को इस्तेमाल नहीं किया, परमेश्वर ने बड़े बड़े बुद्धिमान जो थे सलाहकार उनको इस्तेमाल नहीं किया, परमेश्वर ने बड़े बड़े पदाधिकारियों को इस्तेमाल नहीं किया, परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया जो तुच्छ गिने जाते थे, जो तुच्छ गिने जाते थे, जिनकी कोई गिनती भी नहीं करना चाहता था उनको इस्तेमाल किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक वचन पढ़िए, पहला करंथियों एक अध्याय, पहला करंथियों एक अध्याय 26 वचन से लेकर 29 वचन तक पढ़ेंगे। पहला करंथियों एक अध्याय 26 से 29 तक। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए, क्योंकि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, परमेश्वर ने जगत के तुच्छों, परमेश्वर जो जगत के, हाँ 38 पढ़ो, 38। परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, परमेश्वर ने जगत के, जिनको लोग समझते हैं ये तो ऐसे ही है, और जगत के तुच्छ लोगों को, जगत के तुच्छ लोगों को, परमेश्वर ने जगत के, बोलो, परमेश्वर ने जगत के तुच्छ लोगों को चुन लिया। क्या लिखा है फिर से पढ़ो, परमेश्वर ने जगत के तुच्छ, तुच्छ आगे पढ़ो, परमेश्वर ने जगत के, जहां से मैं बोल रहा हूं वहां से पढ़ो, तुच्छ तुच्छों को, हाँ, वरन जो है भी नहीं, तुच्छों को चुन लिया, वरना जो है ही नहीं, जिनकी गिनती नहीं है, हाँ, उनको भी चुन लिया, उनको चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए, हाँ, 29, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करे, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करे। परमेश्वर चमत्कार करना चाह रहे थे, क्योंकि परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा कह दिया था कि कल इसी समय क्या होगा, इतना बड़ा चमत्कार होगा कि खाने के लिए सबको सस्ता हो जाएगा। परमेश्वर चमत्कार करने के लिए तैयार थे, परमेश्वर के दास के द्वारा बोला गया था। परमेश्वर ने राजा को इस्तेमाल नहीं किया, परमेश्वर ने सेनापतियों को इस्तेमाल नहीं किया, परमेश्वर ने इस्तेमाल किया जो तुच्छ गिने जाते थे। लिखा है परमेश्वर ने जो तुच्छ थे, जो तुच्छ गिने जाते हैं, जहां जो तुच्छ हैं, लोग कहते थे, जो फरीसी बड़े पढ़े लिखे थे, फरीसी और सदूकी कहते हैं, अरे ये तो वो अनपढ़ मछुआरे नहीं है जो मछलियां पकड़ते थे। वहां एक शब्द लिखा है, फिर उन्हें पता चला कि ये परमेश्वर मसीह के साथ रहते थे, ये परमेश्वर मसीह के साथ रहते थे, परमेश्वर मसीह के साथ रहने के कारण वहां काम हो रहा। हालेलुया, हालेलुया। खैर, तो परमेश्वर ने जगत के जो तुच्छ हैं उनको, उनको चुन लिया, परमेश्वर ने जो जगत के तुच्छ हैं उनको चुन लिया। हालेलुया। वो मैं हो सकता हूं, वो आप हो सकते हैं,
वो कोई भी, चाहे मुझे लाइव सुन रहे हैं वो हो सकते हैं, हो सकता आपका घर में तिरस्कार किया जाता हो सकता आपको घर में तुच्छ गिना जाता है, हो सकता आपने काम ऐसे किए हैं जिसके कारण आप अपने आप को तुच्छ गिनते हैं, तुच्छ जानते हैं, हो सकता आपने जो आपने गलतियां की उनके कारण अपने आप के अंदर ही आपके ऐसी भावना आ गई कि आप तुच्छ हो गए, हो सकता समाज ने आपको तुच्छ जाना या घर के लोगों ने तुच्छ जाना, इन चार कोड़ियों की तरह नगर से बाहर निकाला हुआ, घर से बाहर निकाला हुआ, परिवार से बाहर निकाला हुआ, समाज से बाहर निकाला हुआ, तुच्छ। हो सकता कोई आवाज भी सुनना पसंद ना करता हो आपकी, हो सकता कोई आपकी बात भी सुनना पसंद ना करता हो सकता कोई आपकी ओर देखना भी पसंद ना करता हो सकता है कोई जहां आपके हाथ जहां पांव पड़े हैं वहां पांव भी रखना पसंद ना करते हो, इतना आपसे घृणा हो, इतना आपको तुच्छ जाना जाता हो, आप बोलने लगते हो कोई भी बात हो वो कहेंगे तू चुप कर, तुझे कुछ नहीं पता, तू चुप कर, तू ऐसे बोलती रहती है, तू ऐसे बोलता रहता है, तुच्छ गिना जाता हो आपको। लेकिन परमेश्वर आप ही को इस्तेमाल करना चाहते हैं, परमेश्वर ऐसे ही लोगों को इस्तेमाल करना चाहते हैं। अगर राजा को इस्तेमाल करते वो कहता मैं तो राजा था इसलिए मुझे इस्तेमाल किया गया और ये चमत्कार हो गया, सेनापति वो करते तो कहते हमारे पास हथियार थे, इतनी सेना थी इसलिए ये सब चमत्कार हो पाया, लेकिन परमेश्वर ने तुच्छों को चुना ताकि वो अहंकार ना कर सके, ताकि वो घमंड ना कर सके। ओ हालेलुया, परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो आपके पांव से हाथों से नहीं। लिखा है तुम जिन पे हाथ रखोगे तो लोग चंगे हो जाएंगे, जिस पे हाथ रखोगे तुम लोग वो तुम्हारे कपड़े को छूने से लोग चंगे हो जाएंगे, तुम्हारे बोलने से लोग चंगे हो जाएंगे। परमेश्वर आपके पांव से चमत्कार करवाना चाहते हैं। हो रा बाला शिदा रा खबा बरा था बरा रा बासी दे बिरी री बिशिदा बरा रा बा हो ला बाबा बरा था बरा ना माती री बीत की री बिशिदा बाला बरा ला बा। अगर आप परमेश्वर की आवाज को इस समय सुन रहे हैं तो एक वचन पढ़िएगा, इब्रानियों 10:7 परमेश्वर आपके द्वारा चमत्कार करना चाहते हैं, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं, इस्तेमाल करना चाहते सिर्फ इसलिए नहीं कि आप पास्टर बने, सिर्फ इसलिए नहीं कि आप बिशप बने, परमेश्वर अपने लिए आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं। हो सकता परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहते हो एक पास्टर की तरह, हो सकता परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहते हो एक बिशप की तरह, एक सेवक की तरह, हो सकता परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहते हो मैनेजर की तरह, जहां परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहते हो आपको बड़ा अधिकारी बनाकर, आपको उच्च पदवी देकर, बड़ा ऑफिसर बनाकर, बड़ा राजनीति में लीडर बनाकर, बड़ा पत्रकार बनाकर, बड़ा टीवी का एंकर बनाकर, बड़ा बिजनेसमैन बनाकर, चर्च के लोगों की सेवा करने वाला बनाकर, साफ सफाई और चर्च की देखभाल के लिए इस्तेमाल करना चाहते हूं, लेकिन इतना जरूर है परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं। परमेश्वर कैसे भी इस्तेमाल करेंगे, आपको तैयार होना है, आपको तैयार होना है। हो सकता है आपके बोलने से
आपका परिवार, आपका घराना बचाया जाए, आपके रिश्तेदार बचाए जाएं, आपकी फैक्ट्री के लोग बचाए जाएं, आपके बोलने से हो सकता है आपके जो भी शॉप पर काम करते हैं कुलीग हैं वो बचाए जाएं, आपके साथ पढ़ने वाला स्टूडेंट बचाए जाएं। परमेश्वर कुछ भी कर सकते हैं, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। उसने तुच्छ लोगों को चुन लिया जिनकी कोई गिनती नहीं करता था, जो त्यागे हुए थे, जो निकाले हुए थे, ऐसे लोगों को चुन लिया। हो रहा बाला सीधा बाबा रासीधा बारा नाम। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं इस संसार में, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं, चाहे सेवकाई के लिए, चाहे ऑफिसर बनाकर, चाहे आर्मी में ऑफिसर बनाकर, चाहे आईपीएस बनाकर, आईएएस बनाकर, बड़ा बिजनेसमैन बनाकर, बड़ा पास्टर बनाकर, कैसे भी, इतना जरूर है परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं। आपने कुछ नहीं करना, इन्होंने कुछ नहीं किया, बस एक किया, अपना कदम बढ़ा दिया, एक कारा के लिए अपना कदम बढ़ा दिया, उस और अपना कदम बढ़ा दिया। ये कदम तो बढ़ाते थे, अपने आसपास कुछ खाने के लिए ढूंढते थे, अपने आसपास कुछ खाने के लिए ढूंढते थे, कदम तो बढ़ाते थे अपनी प्यास बुझाने के लिए, कदम तो बढ़ाते थे अपना पेट भरने के लिए। आसपास से कुछ भी न कुछ, तरबूज मिलता, कुछ और चीज मिलती खाने के लिए, उसको तोड़ते खाते, कदम तो बढ़ाते थे, लेकिन चमत्कार वहां नहीं हुआ। परमेश्वर ने इन्हें इस्तेमाल नहीं किया। जब इन्होंने दुश्मन की ओर कदम बढ़ाया, जब इन्होंने उस लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाया, जैसे इन्होंने कदम बढ़ाया, सांझ को इन्होंने कदम बढ़ाया, सांझ को वहां पर चमत्कार हो गया। ये वहां पहुंचे नहीं, इनके पहुंचने से पहले परमेश्वर ने चमत्कार कर दिया। इनकी पांव की जो धमक थी, इनके पांव की जो आहट थी, उसको परमेश्वर ने इको कर दिया। इको की तरह वहां पर आवाज ऐसी आई जैसे लाखों सेना के लोग चल रहे हों। आपको कदम बढ़ाना है, आपको कदम बढ़ाना है। अगर आप सरकारी जॉब चाहते हैं, आपको कदम बढ़ाना है और आपको कहना है कि ये मैं परमेश्वर के लिए करना चाहता हूं सरकारी जॉब, मैं प्राइवेट जॉब परमेश्वर के लिए करना चाहता हूं, मैं विदेशों में परमेश्वर के लिए जाना चाहता हूं, मैं बिजनेस परमेश्वर के लिए करना चाहता हूं। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप सारी सैलरी जो है वो चर्च में दें, जहां सारा बिजनेस जो है आपकी कमाई हो चर्च में दें, ये नहीं कह रहा, बल्कि आपके अंदर जो कुछ भी हो, ये हो कि परमेश्वर ने मुझे जीवन दिया है और जो जीवन मैं परमेश्वर को सौंपता हूं, चाहे वो मुझे सरकारी नौकरी में लगाए, चाहे मुझे बड़ा अधिकारी बनाए, चाहे मुझे प्राइवेट जॉब दें, चाहे मुझे बिजनेसमैन बनाए, चाहे मुझे पास्टर बनाए, हर बात के लिए मैं तैयार हूं। हो रहा बाशी दबा बारा सा दबा ना माते री बीत गिरी री बिशी दबा लबा लबा। हो रहा बाबा बाबा ता ना खबा रने माते री बीत गिरी री बिशी दबा लबा लबा। हो री बिशी दबा ना माता लबा 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 लबा। परमेश्वर के वचन में इब्रानियों 10 अध्याय 7 वचन में लिखा है, हो हालेलुया, इब्रानियों 10 अध्याय 7 वचन। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूं, देख मैं आ गया। अब आपको यह कहना है, देख मैं आ गया हूं, देख, ताकि हे परमेश्वर, वहां से शुरू से, तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूं, देख हे परमेश्वर मैं आ गया हूं, देख मैं आ गया हूं, देख मैं आ गया हूं, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं, तेरी इच्छा पूरी करूं। देख मैं आ गया हूं हे परमेश्वर, ताकि मैं तेरी इच्छा पूरी कराऊं।
देख मैं आ गया हूं ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं, तेरी इच्छा पूरी करूं। चाहे आप उन कोड़ियों की तरह तुच्छ गिने जाने वाले हैं, यहां तो बड़ा चर्च में आकर जय जयकार हालेलुया करते हैं, आपका आदर और सम्मान होता है, लेकिन घर जाते ही घर के लोग सब खुमारी को उतार देते हैं। जाते ही घर जाते ही घर के लोग ऐसे ऐसे बोलते हैं, ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं कि अंदर से आत्मा व्याकुल हो जाता है। यहां आप आते हैं, आनंद मनाते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं, गली के लोग, मोहल्ले के लोग, विशेष करके घर के लोग तंग करते हैं, तुच्छ जानते हैं, जितना भी शेक होता सो खराब कर देते हैं। परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर ने आपको चुना है, बस आपको कहना है देख मैं आ गया हूं, देख मैं आ गई हूं, देख मैं आ गया हूं, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं, हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। अगर आपकी इच्छा है कि मैं बड़ा अधिकारी बनूं, देख मैं आ गया हूं ताकि परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। अगर आप चाहते हैं परमेश्वर आपकी इच्छा है कि मैं बिजनेसमैन बनूं, देख परमेश्वर मैं आ गया हूं ताकि तेरी इच्छा पूरी हो, ताकि तेरी इच्छा पूरी करूं। अगर आप चाहते हैं परमेश्वर आपकी इच्छा है कि मैं पास्टर का कार्य करूं, तो कहें देख मैं आ गया हूं ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं, हे परमेश्वर मैं आपकी इच्छा पूरी करने के लिए हूं। मेरे जीवन में आपकी इच्छा पूरी हो, हे परमेश्वर जितने लोग तैयार हैं वो कदम बढ़ाएं, जितने लोग तैयार हैं आज कदम बढ़ाएं और प्रभु से कहें देख मैं आ गया हूं ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं, देख मैं आ गया हूं हे परमेश्वर ताकि तेरी इच्छा पूरी करूं, ताकि परमेश्वर मैं तेरी इच्छा पूरी करूं। और राबाशी दाबा बारा सदा।